हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल electro.abhi में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दें और उसके बगल में घंटे का आइकन को दबाएं, जिससे हमारी आने वाली आज की इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूं व्यू डिस्प्ले, जो कि हमारे पहले वाली एम्पलीफायर वाली जो वीडियो थी उसमें हमने नहीं लगाया था, तो इसीलिए मैं उस एम्पलीफायर में व्यू डिस्प्ले लगाऊँगा। ये रही हमारी एम्पलीफायर, जो कि यहाँ पे एम्पलीफायर में जो LED लगी हुई रहती है, जो कि वॉल्यूम अगर लो और हाई होती है तो उसकी इंडिकेशन को दिखाती है यहाँ पे, तो वही हम लगाएंगे यहाँ पे। इसमें देखिए हमने ड्रिल कर दिया है, तो यहाँ पे हम LEDs लगाएंगे। ये रही हमारी कंपोनेंट्स, ये 3915 IC है, इसी से ये सारी LED वर्क करेगी। ये देखिए मैं इसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ये देखिए इसी से हमारी LEDs वर्क करेगी। तो चलिए हम बनाते हैं। सबसे पहले तो हम इन सारी LEDs को कलर वाइज इसमें अटैच करेंगे। रेड कलर को हम 30 dB के लिए लेंगे, LEDs लगाते समय ये ध्यान रखें जो इसमें दो लेग्स होती है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, तो हमें सारी लेग्स को एक ही तरफ करनी है। जैसे पॉजिटिव हो गई तो पॉजिटिव लेग्स सारी एक तरफ लगेगी और नेगेटिव लेग्स एक तरफ लगेगी। तो हम रेड कलर को ऊपर डालेंगे 3 dB के लिए। उसी तरह हम पॉजिटिव को इस तरह से कि पहले वाले LEDs में लगाई थी, अगले LEDs में भी हमें पॉजिटिव को एक साइड रखेंगे। सारी LEDs को हम लगाते हैं इसी तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, सारी LEDs लग चुकी है, अब हम इसमें कनेक्शन करेंगे 3915 IC के साथ। चलिए करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रहा हमारा सर्किट डायग्राम, जो कि इसी तरह हम सारे LEDs की कनेक्शन करेंगे। हमने यहाँ पे 4 रेड ली है, जो कि कोई दिक्कत नहीं है, येलो की जगह भी हम 4 रेड भी ले सकते हैं। पहले तो इस सारी कनेक्शंस को हम साइड कर लेंगे। ये देखिए ये दोनों है पॉजिटिव और नेगेटिव की, इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, इधर साइड वाली हमारी सारी पॉजिटिव लेग्स है, ये सारे पॉजिटिव लेग्स को हम पैरेलली एक में जोड़ देंगे, और नेगेटिव लेग है जो हमारी 3915 IC से कनेक्ट होगी, तो ये सारी लेग्स को हम पैरेलली जोड़ देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे वायर को हमने पैरेलली जोड़ दी है, अब इसमें सोल्ड कर देते हैं। तो हम सारी इसकी एक्सेस लीड को कट कर देंगे फ्रेंड्स। ये देखिए ये सारी, ये जो इतनी बड़ी बड़ी एक्सेस लीड है, इसको हम कट कर देंगे कटर या फिर नेल कटर की हेल्प से। इसमें उतना ही कट करना है फ्रेंड्स जितने कि हम तार सोल्ड कर सकें, इसीलिए हमने थोड़ी थोड़ी लीड छोड़ चुकी है जिसमें तार सोल्ड हो जाए। जैसा कि मैंने डायग्राम में दिखाया था 3915 की, उसी तरह हम इसमें कनेक्शन करेंगे। आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इसकी सही लीड को। ये देखिए, ये जो यहाँ पे ये जो हल्की सी गड्ढे टाइप लग रही है, यहाँ से नीचे से इसकी लीड जो है स्टार्ट होती है। ये 1 नंबर है, यहाँ से 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ तक 9, और फिर यहाँ से 10 स्टार्ट होती है, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 18 लास्ट। तो यहाँ पे मैं फीमेल कनेक्टर यूज़ कर रहा हूँ, इसी को मैं यहाँ से लेग्स को इसकी सीधी कर ले रही हूँ ताकि हम इसमें सोल्ड कर सकें। हमारी लेग जो है सीधी हो चुकी है। इस IC को फ्रेंड्स मैं यहाँ पे सेट करूँगा बॉडी कनेक्टर के पास। ये देखिए यहाँ पे जो हमारी बॉडी कनेक्टर है,
यहीं पे मैं इस आईसी को सेट करूंगा, जो कि मेरे पास इसकी किट और फीमेल एडजस्टर नहीं है, तो फिर मैं इसको यहीं पे सोल्ड कर दूंगा। तो इसीलिए मैं यहां से लेकर के यहां तक की हम वायर को कट कर लेंगे। ये रही हमारे पास रिबन वायर, इसका हम हेल्प लेंगे। इसमें 10 वायर की लेयर होती है, तो 10 एलईडी की हम इसमें लेयर डाल देंगे, और एक हमारी जो पॉजिटिव है एक अलग से हम वायर ले लेंगे इसको यहाँ तक एडजस्ट करने के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक की वायर को हम लेकर के इतनी हम कट करके ज्वाइंट कर लेंगे, तो हम सारे वायर को सोल्ड करेंगे। हमें वायर की जो कलर है जो याद रखनी है एलईडी के कलर के हिसाब से। ये देखिए सारी वायर सोल्ड हो चुकी है एलईडीज में। हम ऊपर की लेग को हम अलग अलग कर लेंगे ताकि हम आईसी में सोल्ड कर सके। इस तरह से हम नाखून की हेल्प से इस लेग्स को अलग करेंगे। ये देखिए अलग हो रही है। उसकी सारी वायर की लेग्स को हम छील लेंगे जिससे तार फोल्ड हो सके। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने डायग्राम में दिखाया था उसी तरह हम फॉलो करेंगे। ये जो ब्लैक वाली वायर हमारी रेड है तो इसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे एलईडीज की लेग लगाना। हम यहाँ से हम अल्टरनेटली सारे एलईडीज की वायर को सोल्ड कर देंगे। ये देखिए हमारी सारी वायर सोल्ड हो चुकी है। को फॉलो करके और बाकी कनेक्शन करेंगे। हमारी जो सप्लाई वायर है और फिर ऑडियो इनपुट वायर है तो उसे हम लगाएंगे। ये हम अलग से एक वायर लेंगे ये पॉजिटिव में सोल्ड करने के लिए। और फिर यहाँ से हम इस पॉजिटिव वाले लेग में अटैच कर देंगे। ये 3 नंबर और फिर ये 9 नंबर पॉजिटिव ही होती है तो इसमें हम सोल्ड कर देंगे। इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, डायग्राम में सारी दी हुई है जिसको आप देख करके समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें बाकी कनेक्शन करेंगे। ये रही हमारी 1K रजिस्टर, जो कि ये 6 और 7 से सीरीज होकर के यहाँ पे आएगी 2 और 4 में, तो इसको हम करते हैं सोल्ड। ये हमारी रजिस्टर 1K ही है तो फिर इसको हम सोल्ड करते हैं। ये 6 और 7 में हमने सोल्ड कर दी। शॉर्ट हो चुकी है। अब इसकी लीड को हम ऊपर की ओर फोल्ड कर लेंगे, इसे अच्छे से फोल्ड कर लेंगे ताकि दोनों आपस में शॉर्ट ना हो। फोल्ड करने के बाद इसे एक और फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ पे हम नंबर 4 में डालेंगे। ये रही, इधर से हम काउंट करेंगे इसे 1 2 3 4 और 4 में इसे शोल्ड कर देंगे और फिर यहाँ से हम इसको फोल्ड कर लेंगे फिर नंबर 2 में लाने के लिए। इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे जिससे शॉर्ट ना हो आपस में, मतलब बाकी की पिनें टच ना हो जाए। ये देखिए इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। सोल्ड हो चुकी है ऊपर, देखिए इस तरह से हम सोल्ड करेंगे।
जिससे बाकी की पिनें आपस में ना हो अटैच। देखिए सोल्ड हो चुकी है। अब बाकी के जो हम करेंगे इसको अच्छे से कर लेंगे। अब छोटी सी जंपर वायर की हेल्प से इसमें थोड़ी सी हम पेस्ट लगा देते हैं। वो 2 और 4 में हमने ग्राउंड ली थी, इसको हम 8 से सोल्ड अटैच कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। प्रॉब्लम हो रही है, छोटी है इसीलिए प्रॉपर बोर्ड में नहीं है। अब हम एक और जंपर लेकर के नंबर 3 पिन से नंबर 9 पिन में हम अटैच कर देंगे, जो कि हमारा पॉजिटिव है। तो सारी पॉजिटिव को हम पैरेलली सोल्ड कर देते हैं। ये देखिए नंबर 9 में हमने सोल्ड कर दी, हम नंबर 3 पिन में सोल्ड करेंगे। देखिए नंबर 3 पिन में भी हमारी अच्छे से प्रॉपर सोल्ड हो चुकी है। अब ये हमारी सर्किट बिल्कुल कंप्लीट है। ये देखिए इसमें जो नंबर 5 में है, ये हमारी ऑडियो इनपुट है और ये हमारी पॉजिटिव लेग है और फिर ये हमारी ग्राउंड हो गई। तो हम ग्राउंड एक मोटे से लीड की हेल्प से इस बॉडी में अटैच करेंगे, जिससे हमारी ये जो सर्किट है इधर उधर हिले ना। तो इसको हम सोल्ड कर देते हैं पहले इसमें, जो कि इसी पे हमारी सर्किट अटैच रहेगी। तो इसको अच्छे से सोल्ड होना चाहिए जिससे हमारी सर्किट हिले ना। ये देखिए ये सर्किट हमारी अब बिल्कुल नहीं हिलेगी। अब इसमें थोड़ी सी और पेस्ट लगा करके किट के साथ इसमें अटैच कर देंगे। ये जो हमारी आईसी वाली सर्किट है इसको हम इसमें अटैच कर देंगे। ये रही हमारी ग्राउंड, जो कि इसमें इसको हम अटैच कर देंगे। इसे देख करके सावधानी से अटैच करनी है, जो कि मिक्स अगर कन्फ्यूज हो गई तो सारी हमारी ये सर्किट है बेकार हो जाएगी। तो इसीलिए मैं थोड़ा सेफ्टी से इसमें सोल्ड करनी है, लेग्स इसमें टच ना करे जिसे शॉर्ट सर्किट ना हो। ये देखिए प्रॉपर सोल्ड हो चुकी है, अभी ये बिल्कुल नहीं हिलेगी। और फिर यहाँ से एक हम रेड वायर लेंगे पॉजिटिव में सोल्ड करने के लिए। ये देखिए पॉजिटिव मैं इस डाइवोर्ट से लूँगा, जो कि किट को हम ना खोल करके इस डायबोर्ड से ही हम डायरेक्ट पॉजिटिव ले लूँगा। और फिर हम यहाँ पे इसमें सोल्ड कर देंगे। ये जो हमारी लेग्स हैं सारी पॉजिटिव वाली, ये हमारी पॉजिटिव हो गई और यहाँ पे हमारी जो ग्राउंड थी ग्राउंड की लेग सोल्ड हो गई। और एक अलग से हम वायर लेंगे ऑडियो इनपुट के लिए। यहाँ से हम नंबर 5 पिन में सोल्ड कर देंगे और फिर यहाँ से हम इस किट में डाल देंगे। ये जो हमारी ऑडियो आउटपुट थी, जो ये देखिए ये रही हमारी ऑडियो आउटपुट, ये दोनों एक ही में पैरेलल हो चुकी है दोनों पिन। तो किसी एक में भी हम डाल देंगे तो ये प्रॉपर वर्क करेगी। ये देखिए हमारी सर्किट अब बिल्कुल रेडी है। अब ये शो करने के लिए हमारी रेडी है, तो हम इसे चलिए दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब अपने एम्पलीफायर में हम लाइन दे रहा हूँ। ये देखिए ये ब्लिंक की, ये धीरे धीरे डाउन हो जाएगी, जो कि ये करंट अभी प्रोसेस कर रही थी ये डाउन हो गई। हम इसमें ऑडियो इनपुट देंगे, ये देखिए फ्रेंड्स सारी LEDs ब्लिंक कर रही है। ये देखिए
ये देखिए हमारी लास्ट 3 dB तक भी हो रही है, जो कि मैंने साउंड को फुल किया हूँ, वॉल्यूम को। ये देखिए मैं अपने वॉल्यूम को डाउन करूँगा, इसकी इंटेंसिटी घटती जाएगी। ये देखिए इसकी इंटेंसिटी घट गई, और मैं इसे डाउन करूँगा और इसकी इंटेंसिटी घट गई और ये पूरी डाउन हो गई। इसे मैं वॉल्यूम को अप करूँगा, इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी। ये देखिए बढ़ रही है इसकी इंटेंसिटी, और ये देखिए मैंने पूरी कर दी, इसकी इंटेंसिटी पूरी फुल हो गई। ये देखिए लास्ट तक ये ब्लिंक कर रही है।